हेलो वेलकम फ्रेंड्स, फिर से लाइव की नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं इस इंडक्शन कुकर की किट के बारे में बात करेंगे और आज इसको चलाकर नहीं दिखाऊंगा बल्कि इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस, प्राइस और इसके सर्किट के कंपोनेंट्स, वर्किंग प्रिंसिपल और इसके डिस्क्रिप्शन, ये सब चीज़ें कवर करेंगे इस वीडियो में। यह है इस बॉक्स की बाहर की लुक और यह कुछ स्पेसिफिकेशंस, डिस्क्रिप्शंस और वायरिंग डायग्राम दिया गया है, तो आप चाहे तो इस वीडियो को पॉज करके इसको देख सकते हैं। ये 2200 वाट की किट है, इसकी कंट्रोलर है ये, जहाँ पे 6 बटन स्विच दिया गया है, साथ में कुछ एलईडी इंडिकेटर और एक 7 सेगमेंट डिस्प्ले है। ये इस कनेक्टर के जरिए मेन बोर्ड के साथ कनेक्ट हो जाती है। ये है हमारा मेन बोर्ड और साथ में मिलेगा एक क्विक स्टार्ट गाइड जो इंग्लिश और चाइनीज दोनों भाषा पे उपलब्ध है। आप चाहो तो इसको वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। इस प्लास्टिक रैप को निकालेंगे तो देख पाएंगे कि इस बोर्ड की क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। पीसीबी के ऊपर जो हाई करंट के लिए ट्रेस है उसको बहुत मजबूत किया गया है। और बात करते हैं इसकी प्राइस की, तो ये ऑफलाइन मार्केट से किसी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे आपको 500 रुपये में मिल जाएगा और अगर ऑनलाइन खरीदते हैं तो इसकी प्राइस पड़ेगी 700 से 750 के आसपास। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब बात करते हैं इसकी कंपोनेंट्स के बारे में, तो इस साइड में आपको मिलता है जो कंट्रोल सर्किट और यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर लगा है जो 18 वोल्ट का आउटपुट निकलता है। इस ट्रांसफार्मर के लिए एक स्विचिंग आईसी है जिसका नाम है 12A। बाकी कुछ कैपेसिटर वगैरह है पावर मैनेजमेंट के लिए और यहाँ एक 16 पिन वाला आईसी मिल जाता है जो मोस्ट प्रोबेबली एक प्रोग्रामेबल माइक्रो कंट्रोलर है जो यहाँ लगा हुआ एक IGBT ट्रांजिस्टर को ड्राइव करता है, जहाँ से फाइनली एक हाई पावर हाई फ्रीक्वेंसी पल्स निकलता है। यह एक 12 एम्पियर का फ्यूज है जो सर्किट को शॉर्ट से प्रोटेक्ट करता है और इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन के लिए यह एक बाजार दिया गया है। यह पावर एडजस्टमेंट के लिए एक प्रीसेट दिया गया है। यह है फैन का कनेक्टर, यह कंट्रोल पैनल का कनेक्टर और यह है कॉइल के बीच में जो हीट सेंसर है उसका कनेक्टर। आप इस आईसी का नाम को देखकर गूगल पे सर्च कर सकते हैं। मैंने एक बार सर्च किया पर कुछ मिला नहीं, आपको मिला तो जरूर कमेंट में बताना। और अब हाई पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं। यह एक तगड़ा IGBT लगा है और यह एक ब्रिज रेक्टिफायर, दोनों को एक हीट सिंक के साथ लगाया गया है। इस साइड में हमारा पावर और कंट्रोलर सेक्शन हो गया, तो यहाँ पर हमारा जो 220 AC इनपुट आएगी यहाँ से और इस फ्यूज से गुजर के ये AC इनपुट जाएगी यहाँ पे और यहाँ से एक 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगा हुआ है डायरेक्ट बीच में। यहाँ से जो हाफ वेव DC आउटपुट निकलता है वो इस जम्पर के थ्रू इस पॉइंट पे जाती है और जो दूसरी लाइन है वो कॉयल के अंदर से इस पॉइंट पे आती है। फिर एक 5 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगा है स्मूदिंग के लिए, तो ये 5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर और ये 300 mH का इंडक्टर दोनों मिलकर इसको प्योर 311 वोल्ट DC में कन्वर्ट करती है। और वो 311 वोल्ट प्योर DC को लेकर के ये IGBT इस माइक्रो कंट्रोलर की मदद से स्विच होके एक हाई वोल्टेज हाई फ्रिक्वेंसी की पल्स निकलता है। ये जो हाई फ्रिक्वेंसी की सिग्नल है ये मेन कॉइल के टर्मिनल पे जाती है और इसके साथ डायरेक्ट एक कैपेसिटर लगा हुआ है जो मेन कॉइल की इंडक्टेंस से जुड़ के एक LC टैंक सर्किट बनाती है जो एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से साइनोसोइडल ऑसिलेशन क्रिएट करती है, जिसके चलते हमको एक साइनोसोइडल अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मिलता है और उसी मैग्नेटिक फील्ड के चलते हमारा जो स्टेनलेस स्टील और आयरन की पॉट है वो एडी करंट के थ्रू हीट अप होती है। एडी करंट और साथ में जुड़ जाती है वो मैग्नेटिक इफेक्ट और उसके चलते ये हमारा जो पॉट है वो हीट हो जाती है और ऐसे हमारा कुकिंग कंप्लीट हो पाता है।
और यह एक थर्मल सेंसर है जो कि IGBT का हीट को मॉनिटर करके माइक्रो कंट्रोलर चिप में सिग्नल प्रोवाइड करती है। अब इस कंट्रोलर के बारे में बात करते हैं, तो इसकी इनसाइड में चलते हैं, इसके अंदर क्या कुछ लगा हुआ है। यह आपको मिलता है कुछ बटन्स, कुछ LED इंडिकेटर के लिए और एक डिस्प्ले। और यह डिस्प्ले के लिए एक कंट्रोलर IC है, इसकी नाम है DP1668। ये एक सीरियल कम्युनिकेशन वाला 7 सेगमेंट डिस्प्ले ड्राइवर IC है, जो कि यह का जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले है इसको ड्राइव करती है, साथ ही साथ इस स्विच का इन्फॉर्मेशन को मेन IC के साथ सिंक करती है। तो बस दोस्तों, ये थी सारी बातें इस किट के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो डेफिनेटली पसंद आया, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना ताकि मेरा जो वीडियो में मेहनत हुआ उसके चलते हमको कुछ मोटिवेशन मिल जाए, और आगे और भी अच्छा वीडियोस बनाने के लिए मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले, ठीक है। इस वीडियो को आपका हर इलेक्ट्रॉनिक्स के इंटरेस्टेड फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और आपको अगर कुछ पूछना है तो कमेंट में पूछिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड।